गाइस, आज हम हैं एसनाबाद के ऊपर और ये है जमजम फूड्स। जमजम फूड्स कोयला कढ़ाई, बारबेक्यू, फास्ट फूड, फिश फ्राई एंड चाइनीज़। और ये बहुत अच्छा टेस्ट है, यहाँ का बहुत मशहूर है और बहुत नाम सुना था हमने। सो लेट्स ट्राई क्या यहाँ पर क्या है। सो टुडे मेन्यू मैशअप टीम इज़ हेयर, लेट्स सी क्या होता है। पर्सनली ये बहुत सॉफ्ट है, डिफरेंट दूसरी जगह पे मैंने खाई है, दूसरी बारबेक्यू सेंटर पे, उधर इतनी सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ा कच्चा बना रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्राई करें तो बहुत सॉफ्ट है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग लास्ट इधर विजिट करें और एटलीस्ट इनकी स्पेशल डिश है। प्रेजेंटेशन ही बहुत अच्छी है मेरी, चीज़ मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं महविश को रिकमेंड करूँगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इनको बहुत अच्छी लगती थी। यार मज़ा आया, बोटी पक्की होनी चाहिए क्योंकि अक्सर बोटी बोटी में से कच्ची रह जाती है, बहुत टेस्टी मज़ा आया। सॉफ्ट है और हर उम्र का जो इंसान है वो इसको आराम से चू कर सकता है। जिस तरह बूढ़े लोग होते हैं वो अक्सर हार्ड चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये ऐसी सॉफ्ट है कि बहुत खीरे खा रहे हैं। जो कि आप कर रही हैं बहुत देर से। ये जमजम फूड वालों की स्पेशल डिश है, जमजम गायरो के नाम से। इसका आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने एक शवरमा वाली जो ब्रेड होती है वो यूज़ करी हुई है। अंदर इन्होंने ऑलिव्स यूज़ करे हुए, चिकन है, चिकन को रोस्ट किया हुआ है और इसके साथ ये जो है चीज़ नज़र आ रही है आपको। बड़ा मज़ेदार लग रहा है, बहुत लजीज लग रहा है। टोटल इसकी जो प्राइस है 220 है, ठीक है। और एक बंदा तो मेरे ख्याल से ये खा के जो है वो थक ही जाएगा, उसका अच्छा खासा पेट भर जाएगा। बोलो कैसे तू डाले जलेबीनो मैं ये खाता हूँ फ्राइज और मैंने ये उठा लिया। ओहो, 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 क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, टू मच डिलीशियस। यार फिर अभी खाने लो यार, वीडियो क्यों बना रहे हो यार। अच्छा ये मुझे लग रहा है कि इसमें जिंगल का भी टेस्ट करेगा, है ना। हमजा आपकी क्या रिकमेंडेशन है? बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं खाया, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, एकदम जबरदस्त। और मैं रिकमेंड करूँगा, हमारा आप भी ट्राई करें, हमें आप भी ट्राई करें। वैसा आपने तो कर दिया, आप छोड़ दें, मैं जो हूँ ना उनमें ट्राई खा सब ट्राई चाहेंगे।
हमारे हमारे उदास बैठे हैं सी। बहुत कलरफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉल है और यहाँ पे स्पेशलिटी जो है वो निमका है, गोला गंडा है और प्रोटीन शेक है। तो बहुत ही कलरफुल सा ये स्टॉल है और इसका नाम है दुआ गोला गंडा और ये एसनाबाद पे है। अब इसकी हम देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट किस तरह का। सो गाइस, हम लोग अगेन है दुआ गोला गंडे के ऊपर और अभी एक हम फ्लेवर बना रहे हैं पाकोला और एक ब्लूबेरी। व्हाट इज दिस भाई? सोडा। सोडा ही है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मुनव्वर। मुनव्वर। तो ये मुनव्वर भाई हैं जो यहाँ पे बनाते हैं। तो अब हम ये फ्लेवर इन्होंने बना लिए, सर्व करेंगे। मुनव्वर भाई, आपने कभी पी के देखा ही है? अच्छा, जब भी आप लोगों का बना के देते हैं तो थोड़ा सा उसमें से पी लेते हैं? अच्छा, अलग बना के पिया जाता है। अच्छा, तो ये सर्व हो गया है और आप देख सकते हैं मौलाना साहब को, इन्होंने दोनों लिमका के ऊपर कब्जा कर लिया और अब ये दोनों पी रहे हैं। तो टेस्टेड मौलाना साहब, तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? बड़े मीठा है यार, एज कम्पेयर टू द अदर वन जो हमने पीछे पिया था, हमने पी लिया था वो मजेदार था, उसका टेस्ट अच्छा था। इसका भी टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट ज्यादा है। व्हाट अबाउट पाकोला फ्लेवर? ये भी मजे का नहीं है। पाकोला इज बेस्ट वन। पाकोला मजेदार है। आपको अच्छा लगे पर मुझे अच्छा नहीं। आप रेकमेंड करेंगे? ये तो आएंगे। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा यार, ये दरअसल बात ये है मौलाना, इसको कुछ भी लाकर दे दोगे ना इसको अच्छा लगेगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड भाई, मेन्यू मेजर पास थॉट आउट कर दी, हमें अच्छा नहीं लगा। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे उज़ैफा से और ओसामा से, तो बीच में एकदम ही क्या नाम है, महवेश जो है वो चुपके चुपके ब्लूबेरी फ्लेवर पी गई हैं, गुप कर गई हैं। महवेश को सर्दियों के सीजन में फाल से याद आ गए और अभी हमजा इसमें को ढूंढ रहे हैं, कोई मक्खी मिले या कुछ मिले तो ये पकड़ के खा लें। बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। नहीं ये मजेदार है, ये ऐसे पाकोला मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप यहाँ पर आए तो पाकोला जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये जबरदस्त है। आप मैवी से भी पूछ सकते गाइस, बात ये है कि ये एक्चुअली ब्लूबेरी ही है, इन्होंने कभी ब्लूबेरी पिया नहीं है आज तक, इसलिए इनको पता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली ब्लूबेरी है। ये सब गरीब लोग हैं दूसरे माने में। और इट टेस्ट गुड, इसके अंदर एक अरोमा है, एक खट्टा टेस्ट है और पीने के बाद भी इसके अंदर ब्लूबेरी का टेस्ट आ रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दुआ गोला गंडा एसनाबाद के ऊपर आप आएँ और यहाँ पर निमका ट्राई करें। थैंक यू गाइस, दिस इज़ वी आर एट द फूड अफेयर्स और अभी हम खाने जा रहे हैं लाइव पिज़्ज़ा। लाइव पिज़्ज़ा की अच्छी खासियत ये है कि ये हमारे सामने बनेगा एज अ लाइव और हुसैनाबाद के ऊपर लाइव पिज़्ज़ा के नाम से ये बहुत मशहूर है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा जो है अपने सामने बना रहे हैं।
तो लेट्स सी कि ये पिज़्ज़ा कैसा बनाते हैं। यहाँ पे मेन्यू मैशअप की टीम मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। हेलो भाई, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये सब जो है लाइन से वेट कर रहे हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि किस तरह बनता है। सो लेट्स सी। और इस पिज़्ज़ा की जो प्राइस है वो है 170 रुपीज़। 170 में जो है वो एक कोक, ये एक कोक और ये एक स्मॉल पिज़्ज़ा है जो कि बहुत रीज़नेबल है। ये वन सर्विंग से ज़्यादा तकरीबन एक बंदे से ज़्यादा खा सकता है इसको। इस फिर इन्होंने जो है स्पाइसेस डाली हैं ऊपर। नाउ इट्स गोइंग टू बेक। Let's see कि ये कितनी देर में बेक होता है। Here we got our pizza. It's baked totally. रविश कैसा है? इंग्रेडिएंट्स में सॉस है, ओरेगानो है और ओरेगानो का जो टेस्ट होता है ना वो फर्स्ट क्लास है। अब हुज़ैफ़ा पीछे खड़ा हुआ देख रहा है कि कब मेरी बारी आएगी, कब मैं खाऊंगा। हुज़ैफ़ा यू कैन ऑल्सो ट्राई, यू कैन कम हियर। इन्होंने पिज़्ज़ा के साथ जो है वो बहुत गलत किया है। महविश आपको इस तरह ऐसे, दिस इज द वे टू ईट पिज़्ज़ा। बाली पिज़्ज़ा पे जो बोटियाँ उतर गई हैं, ये दो बच्ची जो मेरे हिस्से के अंदर आई हैं, लेकिन नो डाउट पिज़्ज़ा जो है बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था। हमने लाइव इसको बनते हुए देखा और जिस तरीके से इन्होंने, जिस हाइजीनिक तरीके से इन्होंने बनाया, उसके साथ उसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार है। इसके साथ जो उन्होंने सॉसेज इस्तेमाल करे हैं, जिस तरह मैं अभी देख सकता हूँ, उस तरह चीज़ इस्तेमाल करी है और चिली जो होती है जूस की और कैप्सिकम जैसे इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार है। रिकमेंड करूँगा मैं सब दूसरे लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसको ट्राई करें और लाइव बनते हुए देखें इसको।
हुसैनाबाद का प्रोटीन शेक, टेस्टी चाइनीज सूप भी है इनके पास, और ये मशहूर ज़माना प्रोटीन शेक है जो कि आपने सुना होगा बहुत। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। तो आए इनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम, क्या है प्रोटीन शेक का, ये जो मशहूर ज़माना प्रोटीन शेक चल रहा है। तो ये भाई हैं, ये भी हमें प्रोटीन शेक बना के दिखाएंगे। आपका नाम भाई? इरशाद। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, और अभी ये जब डालेंगे तब डालते रहेंगे। ये सारे के फ्लेवर्स पड़े हुए, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ये सिरप्स हैं? सिरप हर्शीज के सिरप हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे कि आप किस तरह मशहूर हैं और ये कैसे आपके वाले साहब ने इतना माशाल्लाह ना। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो इरादा था वो ऑफ सीजन में लगाने का कुछ इरादा था। हमारी जो कोर सर्विस है वो सूप की, मतलब वो हमारा पुराना काम है, 18 साल पुराना। तो अभी उसके बाद हम लोगों को जब यहाँ शिफ्ट होना पड़ा दुकान पे, क्योंकि जहाँ पहले लगा रहे थे वहाँ कुछ इशू थे, तो हम यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ होने के बाद ऑफ सीजन में किराया निकालना मुश्किल ही आता है। इस पर हमारा इरादा ये बना कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि ऐसे आइटम का जो ऑफ सीजन में हमारे पास ऑप्शन चलता रहे। तो फिर उसके बाद ये पूरा मेन्यू मैंने लॉन्च करा, मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेन्यू भी गाइस आप देख सकते हैं इनका, इन द न्यू मेन्यू है। सो फिर आप स्टार्ट करेंगे, आप बनाना बताएंगे। थोड़ा हाइजीन है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो अभी इन्होंने बादाम डाले हैं, पिस्ते डाले हैं, काजू डाले हैं, और आप देख रहे हैं बादाम डाल दिए अभी इन्होंने। और ये क्या डाल रहे हैं आप अभी? अंजीर। आप देख सकते हैं गाइस अंजीर भी इसमें इंक्लूड है। और ये पेस्ट डाल रहे हैं हम, ये पीनट बटर। पीनट बटर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्रोटीन होगा इस शेक में, जो इतने सारे इंग्रेडिएंट जब इसमें डालना है। तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि इनके शॉप पे विज़िट करें, प्रोटीन शेक पे हुसैनाबाद पे ही है, और ये शहद डल रहा है इसमें। आप इसको ग्राइंडर में डालेंगे, इसमें चॉकलेट डालेंगे, अभी कैरेमल। अब ये ग्राइंड करेंगे। हो गया, ठीक है। ये हमारे जो जितने भी ये जो हमारी टीम बैठी हुई है बेचारी, ये पूरी वो हो चुकी है, निकाल हो चुकी है, खा खा के डिफरेंट स्टॉल के ऊपर से खा खा के निकाल हो चुकी है बेचारे बैठे हुए। हमने बोला चले इन दी एंड जो है ना एक प्रोटीन शेक मिला देते हैं, ताकि जो है अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। ये चॉकलेट डाल दिया मैंने साइड हो गया, अभी इन्होंने डाला ये प्रोटीन शेक जो है इसको डाला टॉपिंग करनी, क्रीमी टॉपिंग
कैरेमल एंड स्ट्रॉबेरी दे दो। तो ये एक जो है हम लोगों ने फ्लेवर लिया है कैरेमल एंड एक स्ट्रॉबेरी। ओके देन गाइस प्रोटीन शेक इज रेडी। तो अब ये प्रोटीन शेक आ गया है और ये हमारे उदयपा भाई बैठे हैं। मुझे तो बंद दो आप भी ऐसा नहीं फेंकते हैं। तो अब ये पी के बताएंगे कि कैसा लग रहा है। चॉकलेट क्रंची जाने में मज़ा आ रहा है शेक के साथ पीते हुए और चू करते हैं। अच्छा शेक है और थोड़ा काफ़ी एनर्जेटिक है। मतलब वो हम कहते हैं ना वो हम लड़के कुछ कहते हैं कि अगर आज एनर्जी लेवल जो है ना थोड़ा बढ़ गया। समझ तो गए होंगे आप। तो आप हुसैनाबाद है और आपने एनर्जी ड्रिंक ट्राई नहीं किया फिर दो रुपए दे दो। एक क्रेडिट खा भी ना इसने तो क्रेडिट लेके आ रहा है। हम लोग एसनाबाद में अब्दुल रहमान खड़ी छोड़े वाले के पास हैं और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। बहुत स्पाइसी लग रही है दिखने में, बहुत अच्छी लग रही है और इसे खाएंगे तो उसके बाद रिव्यूज़ देंगे कि किस तरह की है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ ऑर्डर की है, एक आलू पापड़ी और एक मिक्स प्लेट। तो ये है एसनाबाद के ऊपर अब्दुल रहमान खड़ी छोड़े। तो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। मिक्स करेंगे ठीक है और देखने में टेक्सचर अच्छा है इसका। मसालेदार भी लग रही है लेकिन पता नहीं कैसी है भाई, पता चलेगा। बहुत ही चटपटी है। जिसको चटखारे का शौक है वो यहाँ पे आ जाए। तो हमारे कैसा आप खाने के बाद महसूस कर रहे हैं, क्या फ्लेवर है इसका, क्या टेस्ट है? निकालने का दिल नहीं करा चमचा, बस दिल चाह रहा है खाते रहो खाते रहो। देखने में थोड़ा ऑड लगा था, इसमें ऑड मिर्चें हैं और ऑड टेक्सचर होगा लेकिन नहीं, उसका फ्लेवर जो है बिल्कुल मैच कर रहा है मसाले के साथ और ऐसा ही लग रहा खा के कि हम बहुत मिर्चें खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है, चटपटी है। अगर आपको मसालेदार खाने का शौक़ है तो आप एसनाबाद पे अब्दुल रहमान कड़ी छोले वाले के पास जरूर आइएगा। आप देख सकते हैं यार आप क्या चीज़ है ये मिक्स प्लेट कैसी है। आप देख सकते हैं कि और भी लोग खड़े खा रहे हैं, अलग से इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारे टीम मेंबर है उदयपा। मुझे नहीं खिला रहे, भुक्कड़ है सारे लोग। क्यों नहीं खिला रहे उदयपा आपको? यार चम्मच ही नहीं हमें दिया, हम क्या कहेंगे यार। आप देख सकते हैं कि लड़ाई हो गई इधर खाने के ऊपर। ये भूखे लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, भूखों को लेकर आए हैं, छीन छीन के खा रहे हैं। तो भाई हम यहाँ पे कुछ और लोगों का रिव्यू लेते हैं इस चटपटे खाने के बारे में। तो ये एक भाई हैं, ये हमें बताएंगे कि क्या खा रहे हैं और किस तरह का है ये। अब ना पसंद करेंगे भाई? मैं यहाँ पर आलू पापड़ी खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी होती है। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप भी यहाँ टेस्ट करें, बहुत टेस्टी होती है। हमारे एरिया में मशहूर और मारूफ है अब्दुल रहमान कड़ी और काठियावाड़ी छोले। हमारी यहीं रिहाइश है और हम डेली यहाँ पे खाते हैं और देखते हैं बहुत से लोग दूर दराज से भी आते हैं। आप सब भी आइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि उसामा अब तक मौजूद हैं इसके ऊपर
और ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ख़त्म ज़रूर होगी। ठंडा निकल जाओगे, खाने तो दो। ये देखें आप हुज़ैफ़ा को, यार पानी की प्यास लग रही है, बहुत बहुत है। आप लोग को गाइस रिकमेंड करूँगा, लाजमी आप लोग की तरह है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है, तो आप लोग ईजिली खा सकते हैं। एटलीस्ट एक दफ़ा तो आप लोग ट्राई करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद जुबैर भाई हैं जो हमारे ये पान बना रहे हैं। इस केबिन को ये बोलते हैं शीश महल, राइट? ये बिल्कुल कराची हलीम के ऑपोजिट है। आप इसको आके विजिट कर सकते हैं और इनका पान खा सकते हैं। इनके पास डिफरेंट वैरायटीज हैं पान की, सादा खुशबू, ज़रूर आ जानी, मीठा पान और बहुत सारी वैरायटीज हैं। हम जो टेस्ट कर रहे हैं चॉकलेट पान एंड पान सादा खुशबू। तो चॉकलेट लगाई है अभी पान के अंदर इन्होंने और डिफरेंट अब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें, देखते हैं क्या डालते हैं। तो ये क्या चीज़ डाल रहे हैं? खोपरा, खोपरा विशाखा। और ये आपने डाली गुलकंद। तो इस मीठे पान की क्या खासियत है, मतलब ये चॉकलेट जो पान आप बना रहे हैं इसकी क्या खासियत है? खासियत तो फिर लोग इसे पसंद क्यों करते हैं? चॉकलेट क्यों पसंद हुआ है? मिठाई के तौर पे मीठा खाने के बाद मीठे के हिसाब से खाया जाता है। सही, आजकल असल में फायर पान भी चल रहे हैं और उसमें वो आग जला के जलाते हैं। हाँ, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? बारे में वो भी एक टेक्निकल लोगों ने बनाया हुआ है कि खाने के हिसाब से लोग उसको ज़्यादा से फायर पान जो है ना वो ज़्यादा से लोग लाइक करते हैं। यानी एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने, एक नाम निकाल दिया फायर पान। बड़ा ऐसे लेकिन वो उसमें होता कुछ नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। एक पेंट्रोल के ऊपर उन्होंने लाइटर से आग लगा दी है, वो आग पकड़ता है, मुँह में डालता हूँ, आग बुझ जाती है। ओके ओके, से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो मैंने बोला कि भाई बता दें। शीश महल में हमारे भाई पान खा रहे हैं जो हमने बनवाया था, आप ये देख सकते हैं और ये रिकमेंड करेंगे कैसा पान है। पान का साइज बहुत बड़ा था। आप क्या बोलूं? हमजा कैसा लगा आपको पान खा के? बहुत जबरदस्त पान है, लेकिन बोले भी जा रहे हैं हैदराबाद का भी पान खाए, गुलाब पान हाउस का, लेकिन ऐसा पान कहीं का भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, मैं रिकमेंड करूँगा कि तो यहाँ पर आए वे ज़रूर पान ट्राई करें। हुसैनाबाद का मशहूर पान है, क्या नाम है? पान है। और ये देख रहे हैं आप, जैसे कि सादा खुशबू तैयार हो गया बिल्कुल। इसको राजा साहब भी कहते हैं, राजा साहब भी कहते हैं इसको, और इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, वैसा पान है ये। ये एंड में क्या डाला है आपने? ये पत्ती ये लजीजा है जो इन्होंने एंड में डाला है। और ये लिक्विड डाल लें कुछ, और ये क्या चीज़ है? पान की चटनी। ये पान की चटनी जी। और ये क्या चीज़ है? ये नजमा बाजी है। ये VIP मशहूर पान तैयार हो गया है, अब इसको खाएंगे हमारे हुज़ैफ़ा भाई खाएंगे। और ये आप बताएं कैसा लगा आपको पान खा के? आप अव्वल तो आपसे बोला नहीं जा रहा। तो मैं पान को जो है ना रोल कर रहा हूँ उस पान से,
ताकि मेरा टारगेट टिक गया। अच्छा, ताकि आप बोल सकें। अब पान टिक गया मेरा एक गाल की तरफ। ठीक है आप पहले पान टिका लें फिर बोलिएगा। इतना कटा जो इनका जो ऑरिजिनल से थालियाँ यूज़ करी है बड़ी अच्छी बहुत अच्छी है। अच्छा, और जो इंडियन जो पान का जो मज़ा वो पीक का होता है। अच्छा, पीक का होता है तो मतलब आप पीक फेंक के भी दिखाएंगे? नहीं, हम पीक फेंक के नहीं दिखाएंगे, लोगों के कपड़े खराब होंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा पान है, शीश महल का पान जो खाया। अच्छा, इतना बड़ा पान सही है, 20% जो इन्होंने इतना बड़ा पान दिया ना, बाकी वो पड़ा चलना 20 रुपए जो है ना बोल के अपने डाले हुए। अच्छा, रिकमेंड करूँगा ये बैठते हैं फूड अफेयर वालों के साथ। अच्छा, इनकी पान की शॉप है, आइए इनका। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 20 रुपए का पान जो है ये बहुत इनफ है एक बंदे के लिए बहुत इनफ है। हम जैसे बंदे जो कभी कभार पान खाते ये एकदम मेरे ख्याल से घंटा लग जाएगा उसको चबाते खत्म होते हुए। अच्छा, हम लोग मौजूद हैं हुसैनाबाद पर और ये मशहूर बाबू भाई बन कबाब बंस रोड पे जो होते हैं उनकी दुकान है यहाँ पर। तो हम लोग अभी जाएंगे और टेस्ट करेंगे कि इनकी कैसे बर्गर का टेस्ट है। और ये गाइस हम लोग की टीम जा रही है बर्गर टेस्ट करने के लिए। तो आप लोग को भी रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर बनारस रोड के मशहूर बन कबाब हाउस पर आप लोग आएँ और विज़िट करें और खाएँ बर्गर। सो गाइस हम लोग इनकी दुकान पर आ गए हैं मामू भाई की और इनके पास डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, शामी कबाब, अंडे वाला बर्गर और सिर्फ ओनली आलू कबाब। तो अभी भाई बना रहे हैं, आपका नाम क्या है भाई? सादिक। सादिक भाई, ये सादिक भाई हैं हमारे बहुत मशहूर, वो इधर ये कबाब बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे तेल के अंदर फ्राई करते हैं कबाब को एंड देन और ये अंडा फ्राई कर रहे हैं। ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब ये अंडा फ्राई हो जाएगा तो ये बर्गर के अंदर डाल देंगे। दूसरे एंड पे हमारी टीम बैठी हुई वेट कर रही है कि कब बर्गर आता है और हम इस पर टूट पड़ते हैं। ये क्या डाल लें अंकल इसमें? चटनी डाल लें, लाल चटनी। ओके, एंड गार्निश कर रही हैं प्याज से। हमने इनसे तीनों डिफरेंट वैरायटीज़ के बर्गर लिए हैं, शामी कबाब प्लस अंडे वाला जो कि मशहूर ज़माना है एंड थर्ड वन इज आलू बर्गर। तो हमारी टीम आपको बताइए कि कौन सा इनका सबसे बेस्ट वन है। बट आई रिकमेंड यू कैन विजिट एनी टाइम इन योर लाइफ इन हुसैनाबाद। और आप देख सकते हैं कि अंडे वाला बर्गर गया बर्गर के अंदर और थोड़ी देर बाद जाएगा पेट के अंदर। फाइनल टचअप चल रहा है बर्गर के ऊपर और बस थोड़ी देर में तैयार होने वाला है एंड सर्व होने वाला है हमारी टीम को। फाइनली बर्गर तैयार हो गया और इसकी कटिंग हो रही है। 2 पीसेस में हमने करवाया बर्गर कटिंग एंड देन ये सर्व कर रहे हैं प्लेट के अंदर विद केचप चटनी एंड लाल चटनी। ओके, और ये बर्गर लेकर आ गए गाइस। ये अब हमारी टीम जो बैठी है वो टेस्ट करेगी कि कैसा बर्गर है। ये हमारी टीम बैठी हुई है, अब ये मैविश एंड सादी आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बर्गर का टेस्ट है फाइनली। सो दिस वन इज कबाब बर्गर, दिस वन इज अंडे वाला बर्गर एंड दिस वन इज ऑल्सो अंडे वाला बर्गर। हाँ मैं गलत बोल गया, ये प्याज वाला बर्गर है, ये शामी कबाब बर्गर है। देखो
अभी हम हैं मदीना बारबेक्यू के ऊपर और ये एक बारबेक्यू की शॉप है जहाँ पे अभी हम इनसे ये बनवा रहे हैं और ये बड़ा डिलीशियस लग रहा है। अभी अभी ये हमारी टीम मेन्यू मैशअप की सो दिस गुड़ इज अंडर डेवलपमेंट आफ्टर सम इंग्रेडिएंट डेफिनेटली वी विल एबल टू सर्व विद आवर टीम सो दे विल टेस्ट इट व्हाट आर द फीचर्स एंड फैक्ट्स एंड व्हाट आर द टेस्ट यस एग्जैक्टली एंड वी आल्सो हैव आवर क्यूए विद अस ही विल टेस्ट दिस बोटीज So is there any bug we have found it? Definitely, we will told him to our team. Yes. तो ये गाइस जब तक सीख बोटी बन रही है हम थोड़ी सी गॉसिप कर लें अपनी टीम के साथ तो ये एक महविश के पास एक नुस्खा है कि अगर आपका पेट खराब हो जाए कोई भी चीज़ खाने से कोई भी मसला हो जी महविश क्या कहना चाहेंगी आप ये होम्योपैथिक डॉक्टर है डॉक्टर आप उनकी दवा है आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे खाने से खाना खाने के बाद ये गोलियां खा लें कुछ और खा सकते हैं ठीक है मतलब खाया पिया हजम किया गुड ये चाट मसाला दिया हुआ है बोटी के ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं ना आपके लिए खाना है और ये खाइए थोड़ी So this one is kaleji. Guys, ये जो बड़ी गर्म है और ये चाट मसाले के साथ सर्व की गई है बड़े बड़ी गर्म एकदम दिख रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है आगे बता सकते हैं गाय का ताना ये गाय का ताना है बेसिकली गेरी बोले तो ये पता नहीं क्या चीज़ है ये हम टेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिकमेंडेशन है आप लोग की क्या बहुत मजेदार थी बड़ी गरम गरम इन्होंने सर्व करी थी बड़ा मजा आया खाने में ये एक बेसिकली ये खीरी कहलाती है जो कि मेरे ख्याल से गाय का थन लेकिन इसको जो है ना इन्होंने चाट मसाले के साथ सर्व करा बड़ा गरम गरम बड़ा मज़ेदार लग रही है आप लोगों को रिकमेंड किया जाएगा इसको खाएं जरूर टेस्ट करें कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ऐसी चीज़ें सुन के जो है ना बहुत वो होते हैं यार बड़ी अजीब सी होगी लेकिन हमने पहली दफ़ा टेस्ट बड़े मजा आई लगे आई रिकमेंड यू टू बिल्कुल भी अच्छी नहीं खा के और जहर खा के एक आएगा मेरे आंखों से तो आंसू आ गए खा के इतनी मिर्चें बहुत ही ज़्यादा असल में हुआ क्या है हमने बारबेक्यू की बोटियाँ बोल के इनको खीरी खिला दी इस वजह से इसको ऐसा हो गया अब इनकी शक्ल कैसी हो गई खाने के बाद अरे एक नए मेनू में जो है आप देख सकते हैं बहुत अनहाइजीनिक है इससे खाने के बाद पेट भी खराब हो सकता है इसलिए हम टेबलेट के साथ ही कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये टैबलेट निकाल रही है